नमस्ते किसान भाइयों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल एचके फार्मर में स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम आपको जानकारी देंगे जुलाई और अगस्त के महीने में लगाई जाने वाली धनिया की वैरायटी के बारे में। किसान भाइयों, आपको पता ही होगा कि जुलाई और अगस्त के महीने में जो धनिया का रेट रहता है काफ़ी महंगा रहता है। अगर इस समय आप धनिया की खेती करते हैं तो आपको कम लागत में अधिक मुनाफा होगा। तो आप कौन वैरायटी लगा सकते हैं जुलाई और अगस्त के महीने में धनिया की, आज इसी के बारे में आपको जानकारी देंगे। तो आज हम लोग जानने वाले हैं जुलाई और अगस्त के महीने में लगाई जाने वाली धनिया की चार हाइब्रिड किस्मों के बारे में। तो किसान भाई, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों के साथ वीडियो को शेयर करें। तो चलिए किसान भाइयों, वीडियो को शुरू करते हैं। किसान भाइयों, हमारी जो पहली किस्म या वैरायटी है वो है नामधारी सीड्स कंपनी की सुरभि वैरायटी। किसान भाइयों, अगर सुरभि वैरायटी की पहली कटाई की बात करें तो बुआई के 45 से 50 दिन में ये तैयार हो जाता है पहली कटाई करने के लिए। किसान भाइयों, अगर सुरभि वैरायटी की पौधे की लंबाई की बात करें तो जो इसका पौधे का लंबाई होता है वो 18 सेंटीमीटर से लेकर 20 सेंटीमीटर तक लंबा होता है। किसान भाइयों, अगर इसकी बीज की कीमत की बात करें तो जो इसका 500 ग्राम का बीज आता है वो 190 रुपये में आता है। किसान भाइयों, हमारी जो दूसरी किस्म है वो है ईस्ट बेस्ट कंपनी की रमेश वैरायटी। किसान भाइयों, अगर रमेश वैरायटी की फसल की या धनिया की पहली कटाई की बात करें तो ये बुआई के 45 से लेकर 48 दिन में इसका पहला कटाई चालू हो जाता है। किसान भाइयों, अगर इसकी पौधे की लंबाई की बात करें तो जो इसका पौधे का लंबाई होता है वो 15 सेंटीमीटर से लेकर 20 सेंटीमीटर तक लंबा होता है। किसान भाइयों, इसकी 500 ग्राम बीज की कीमत की बात करें तो जो 500 ग्राम इसका बीज आता है वो 210 रुपये में आता है। किसान भाइयों, हमारी जो तीसरी किस्म है वो है हाईवेज कंपनी की कस्तूरी वैरायटी। किसान भाई, अगर कस्तूरी वैरायटी की धनिया की पहली कटाई की बात करें तो बुआई के 35 से 40 दिन में कटाई करने के लिए तैयार हो जाता है। किसान भाई, अगर कस्तूरी वैरायटी की पौधे की लंबाई की बात करें तो जो इसके पौधे का लंबाई होता है वो 18 सेंटीमीटर से लेकर 20 सेंटीमीटर तक लंबा होता है। किसान भाई, अगर इसकी 500 ग्राम बीज की कीमत की बात करें, 500 ग्राम बीज आता है वो 225 रुपये में आता है। किसान भाई, हमारी चौथी और आखिरी किस्म जो है वो है अशोका सीड्स कंपनी की अशोका कोरिएंडर वैरायटी। किसान भाई, अगर अशोका कोरिएंडर वैरायटी की फसल की पहली कटाई की बात करें तो ये बुआई के 42 से लेकर 45 दिन में पहली कटाई करने के लिए तैयार हो जाता है। किसान भाई, अगर अशोका कोरिएंडर वैरायटी की पौधे की लंबाई की बात करें तो जो इसका पौधे का लंबाई होता है वो 15 सेंटीमीटर से लेकर 18 सेंटीमीटर तक लंबा होता है। किसान भाई, इसकी बीज की कीमत की बात करें तो जो इसका बीज आता है वो 1 kg का पैकेट में आता है। किसान भाई, अगर इसकी 1 किलो बीज की कीमत की बात करें तो आपको 270 रुपये में आसानी से मिल जाएगी। किसान भाइयों, जितने भी हमने वैरायटी बताई इसको आप जुलाई और अगस्त के महीने में कभी भी लगा सकते हैं और अच्छा खासा लाभ ले सकते हैं। तो किसान भाइयों, आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।